वेलकम टू प्राइम लेसंस। आज हम अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। इसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम आपको हर टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस थ्री ए बी सी। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। इसपे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। देखिए, यहां ए प्लस बी प्लस सी इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, ये पोर्शन जीरो है, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, थ्री ए बी सी आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो। यानी जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए बराबर सिक्स, बी बराबर सेवन, सी बराबर माइनस थर्टीन, फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। डेटा हमारा दिया है ए बराबर सिक्स, बी बराबर सेवन, सी बराबर माइनस थर्टीन। हमको पता है अगर जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो। सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, सिक्स प्लस सेवन माइनस थर्टीन, थर्टीन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर टू, अभी हम लोग पढ़े हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो। देखिए उसी कंसेप्ट को मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूं। ए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस थ्री एक्स वाई जेड बराबर जीरो, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए ये कब जीरो होता है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा तब। आइए इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस माइनस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई माइनस जेड। बहुत अच्छे समझिएगा, अगर एक्स वाई और जेड बराबर जीरो होगा तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये माइनस के पावर ऑड होगा तो माइनस होगा, इट मीन्स माइनस जेड क्यू हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगा। यानी कि हमारा माइनस जेड क्यू प्लस थ्री एक्स वाई जेड ये फॉर्म बन जा रहा है और ये बराबर जीरो हो रहा है। कब जीरो होगा, जब इन सब का वैल्यू सब इनका सम जीरो होगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो। आप कह सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा।
अब इस फार्मूला से हम एक नए फार्मूले को ड्राइव करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी अपॉन ये वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई है दूसरे साइड में आएगा, तो ये डिवाइड करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी। बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, रेलवे के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.1 का क्यूब, 0.2 का क्यूब, 0.3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.006 अपॉन 0.01, 0.04, 0.09 माइनस 0.02 माइनस 0.06 माइनस 0.03। इसका आंसर आपको फाइंड करना है। अब देखिए, जैसे ही आपको ऐसा फार्मूला दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, तो आप ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख गया, तो आप ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब के बारे में पढ़े हैं, इससे इसको रिलेट कराने की कोशिश करिए। इससे आप रिलेट कराएंगे, इसको आप ए मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप इसको ए क्यूब कह सकते हो, बी क्यूब और सी क्यूब माइनस थ्री, ये ए बी सी का मल्टीप्लाई ही ये दिया है। देखिए, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, डेसिमल का मल्टीप्लाई है। आप सिंपल डेसिमल को कोई इशू नहीं, डेसिमल उसमें है उसको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करिए, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, आप ऐसे सिक्स लीजिए, कितने डेसिमल है, वन टू थ्री, इट मीन्स आपको थ्री डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। आपका ये मल्टीप्लाई आ गया, इट मीन्स ये ए बी सी हो गया, थ्री ए बी सी। नीचे देखिए, ए का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 का मल्टीप्लाई वन होगा, वन और टू यानी टू डेसिमल के बाद। नीचे आपका ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि हमारा आंसर अभी हम ऊपर पढ़े हैं ए प्लस बी प्लस सी 0.1, 0.2, 0.3, आंसर हमारा हो जाएगा 0.7। आइए अगले एग्जांपल की तरफ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डेटा हमारे पास दिया है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऊपर आप इसकी जगह पे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा,
माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। अब हम डेटा को पुट कर देंगे 10 प्लस 11 प्लस 12 माइनस 3 चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फाइंड करना है x प्लस 1 का क्यूब प्लस y माइनस 2 का क्यूब प्लस z माइनस 4 का क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा कब, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। आइए इसके बारे में सोचा जाए, ये पूरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। इसको ऐड करिए x प्लस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस जेड माइनस 4। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 और इसका वैल्यू दे रखा है 5 माइनस 5 यानी हमारा एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 और जेड प्लस 4 माइनस 4 को ऐड करने पर वैल्यू 0 आ रहा है। हम इसको कह सकते हैं ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। 3 ए के जगह पे x प्लस 1, बी के जगह पे y माइनस 2, सी के जगह पे z माइनस 4 और ये हमारा क्वेश्चन होगा। बहुत कम समय में इसको क्वेश्चन को हम कर सकते हैं जब हमको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। इसी कंसेप्ट पे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। आप साइन देखो बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए है, बी माइनस सी है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। इट मीन्स सब जगह साइन का कोई डाउट नहीं है। यानी अगर जो यहाँ पे बी माइनस सी है और यहाँ सी माइनस बी होता तो माइनस कॉमन करके हमको एक क्रम में करना होता, साइक्लिक क्रम में। ठीक है, अब यहाँ पे b माइनस सी और c माइनस ए है, a माइनस बी नहीं है। ऊपर और नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे a माइनस बी है, c माइनस ए है, b माइनस सी नहीं है, तो b माइनस सी से b माइनस सी से मल्टीप्लाई करिए नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। यहाँ c माइनस ए सॉरी सी माइनस ए नहीं है तो ऊपर और नीचे सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का क्यूब, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी का क्यूब और यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए का क्यूब अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं अभी आपसे बताया कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। आप इसको a मान लो, ये पूरा मान लीजिए a है, ये पूरा मान लीजिए b है और ये पूरा मान लीजिए c है। इसको ऐड कर रहे हैं तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं 3abc, 3 a के जगह पे क्या होगा a माइनस बी होगा, b के जगह पे क्या होगा b माइनस सी होगा और c के जगह पे क्या होगा c माइनस ए होगा अपॉन a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया और आंसर हमारा ठीक है। अब अगले कंसेप्ट के तरफ मैं ले चल रहा हूं आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहां से आता है आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको पूरा प्रूफ कर दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्म से सब इधर 2a स्क्वायर 2a बी स्क्वायर 2c स्क्वायर आएगा, वो 2 कॉमन हो जाएगा इधर, बाद में आपका ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है
अब ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का पूछ रहा है, वन अपॉन टू ए माइनस बी 96 माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 97 माइनस 98 का स्क्वायर और 98 माइनस 96 का स्क्वायर, वन अपॉन टू माइनस वन का स्क्वायर। कभी भी अगर जो यहाँ पे स्क्वायर होगा नंबर का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन और टू का स्क्वायर फोर, वन अपॉन टू इंटू सिक्स। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट दो सेकेंड में आंसर के बारे में सीधे आप डेटा रख दीजिए और आंसर आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये दो पार्ट हम लोग अलजेब्रा के पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आप हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके और फर्स्ट पार्ट को देखें, आपको सभी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। और अब अगले कंसेप्ट के तरफ हम आपको आगे बताएंगे। कितने के लिए अभी इतना ही, और अभी तक अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।